नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक रोमांचिक रोमांटिक टॉपिक पे। जी हाँ साथियों, आप लोगों को 100% इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए भाई, क्योंकि कई बार हम ज्यादा हद से ज्यादा चालाकी ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा और कॉन्फिडेंस में आके हम कुछ ऐसी गलती कर देते हैं कि उनका हमें पता ही नहीं लगता कि हम गलती कर रहे हैं, जबकि हमें लगता है कि हम सुधार कर रहे हैं। जी हाँ, एक शख्स एयरपोर्ट पे पकड़ा गया दुबई जाते हुए, पत्नी के सामने पोल खुल गई। पूरा माजरा देखिए, उनकी चोरी कैसे पकड़ी गई। और आप भी भाई सतर्क रहना अगर ऐसी कुछ गलती कर बैठते हैं। पासपोर्ट एक्ट के तहत मुकदमा और लग गया उसके ऊपर। जी हाँ, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज यूएई से रिलेटेड सही हर रोज आपको नई टॉपिक पे जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। हुआ यूं कि एक कपल मान सकते हैं, बिजनेसमैन मान सकते हैं। जी हाँ, वो दिल्ली के टर्मिनल नंबर 3 पे एयरपोर्ट के अंदर जाके काउंटर पे पहुंचे इमिग्रेशन क्लियर करवाने के लिए। जी हाँ, उनकी पत्नी उनके साथ में थी। जैसे ही वो इमिग्रेशन अधिकारी के पास पहुंचे तो इमिग्रेशन अधिकारी ने उनसे पासपोर्ट, आपको पता भाई चेक होता है पासपोर्ट, वो चेक करते हैं। तो अधिकारी को डाउट हुआ कि पासपोर्ट के 2 पन्ने कम हैं। जी हाँ साथियों, तो उनसे इमिग्रेशन अधिकारी ने पूछा कि भाई 2 पन्ने पासपोर्ट के आपके कन है, तो उन्होंने ये बताया, मुझे नहीं पता किसी ने फाड़ दिए होंगे, ये बात उसने बताई बिजनेसमैन ने इमिग्रेशन अधिकारी को। जी हाँ, फिर उन्होंने पूछा कि भाई नहीं सही रीजन बताओ क्या, तो उन्होंने बोला ठीक है आप मेरी पत्नी को साइड में बिठा के आपको बताता हूँ। पत्नी का दिमाग खराब हो रहा था कि माजरा क्या हो गया। पत्नी गुस्से में लाल होके पास में आके बोली, मेरे को दूर बैठा के क्यों बताना चाहते हो, मेरे सामने इस बात का खुलासा कीजिए। जी हाँ, तो उसने फिर उनको नहीं बताया, तो उन्होंने फिर आपको बताया सिस्टम पूरा चेक हो जाता है, पासपोर्ट के पन्ने भी चेक हो जाते हैं भाई, पता लग जाता है। ये पासपोर्ट कैसे चेक होते हैं बता दूं, पासपोर्ट का नंबर है ठीक, अगर आप अदर कंट्री में जाते हैं तो पासपोर्ट नंबर का रिकॉर्ड रहता है उस सिस्टम में, पूरी इंडिया के अंदर। ये नहीं कि आप दिल्ली से जा रहे हैं तो दिल्ली में रहेगा, पूरी इंडिया में रिकॉर्ड रहेगा वो, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन होता है। उन्होंने चेक कर लिया पासपोर्ट नंबर डाल के, तो पता चला महाराज ने 2 बार थाईलैंड की यात्रा की है। जी हां साथियों, पत्नी को बताए बिना एक बार कोलकाता से एक बार बनारस से थाईलैंड पहुंच गए ऐसो आराम करने के लिए। आपको पता है थाईलैंड कैसी जगह है, घूमने वाले सबसे ज्यादा लोग वहीं जाते हैं। और उसने पत्नी को ये बताया कि मैं बिजनेस टूर से रिलेटेड इंडिया में ही दूसरी स्टेट में जा रहा हूं। तो पत्नी बिचारी, उसको पता नहीं था, तो इमिग्रेशन में मामला खुल गया। पत्नी एकदम दिमाग खराब हो गया उसका, वो गुस्से में दुबई जाने से उसने मना कर दिया। जी हाँ साथियों, तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ भाई, एक तो पत्नी को पता लग गया चोरी उनकी पकड़ी गई, पासपोर्ट एक्ट में उसके ऊपर मुकदमा और दर्ज कर लिया पुलिस ने, क्योंकि इमिग्रेशन अधिकारी ने पुलिस को सूचित किया, उन्होंने एफआईआर, क्योंकि पासपोर्ट एक संपत्ति है और राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है, उसमें आपका आपका है लेकिन आपका अधिकार नहीं है उसके ऊपर, वो इंडियन प्रॉपर्टी होती है गवर्नमेंट सरकार की। तो पन्ने फाड़ने के जुर्म में उसके ऊपर मुकदमा लग गया पासपोर्ट एक्ट के अंदर, ठीक है, उसमें उसको प्रॉब्लम हो गई। पत्नी को पता लग गया, पूरे परिवार को पता लग जाएगा, क्योंकि आपको आपको पता है भाई, हम अगर अपनी वाइफ के सहित या परिवार सहित हम जाते हैं विदेश में, अपन नॉर्मल देश कहीं जाते हैं तो भी पूरे परिवार को, गांव में समाज को पता होता है, लेकिन अगर विदेश जाते हैं तो पूरे रिश्तेदारों को भी पता होता है। अब वो वापस आ गए एयरपोर्ट से, अब उनमें क्या बीतेगी, और पत्नी आपको पता है उनके साथ तो धोखा हुआ, तो वो क्या चुप बैठेगी, वो बात पत्नी पति की बात छुपाएगी कि नहीं नहीं जी हम तो ऐसे ही वापस आ गए, उसके तो आग लगी हुई थी बॉडी के अंदर पूरी आग, वो पता नहीं घर जाके क्या करेगी, क्या फैसला लेगी। तो ऐसी गलती से भी ना करें भाई, ज्यादा स्याणी ये समझदारी ज्यादा हो गई ना, और कॉन्फिडेंस, पासपोर्ट के पन्ने भी फाड़ डाले, पत्नी के ड्रेस से पासपोर्ट के पन्ने फाड़े थे लेकिन वो राज एयरपोर्ट के ऊपर खुल गया। तो आपको 2 बातों की सीख मिलती है, एक तो अपने घर वालों से सच बताएं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सेकंड बात ये कि उसमें पासपोर्ट के साथ छेड़छाड़ न करें, वरना दोनों में दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि अगर वो एग्जाम अगर सही तरीके से सोचे तो बिजनेसमैन आदमी अपनी वाइफ को बोल देता मैं थाईलैंड जा रहा हूं, तो क्या उसकी वाइफ मना करती, दुनिया जाती है थाईलैंड, उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन वो नहीं बताने की वजह से नेगेटिविटी बातें आ गई। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ताकि आप बचते रहें। बस जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।